धनतेरस के दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने राजेंद्र शुक्ला संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां जानकारी मिलने पर घायलों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि हृदय विदारक हुई घटना में जहां 15 श्रमिकों की मौत हो गई, वहीं 40 लोग घायल हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन के द्वारा धनवंतरी जयंती मनाई जा रही है, जिसमें शामिल होने राजेंद्र शुक्ला पहुंचे थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद श्री शुक्ला ने सड़क हादसे में घायल लोगों से हालचाल जाना है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक श्री शुक्ला ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा हर अस्पताल कॉलेज में धनवंतरी जयंती मनाने का निश्चय किया है, उसी के तहत संजय गांधी अस्पताल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वह शामिल होकर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। वहीं घायलों का हालचाल जानकर समुचित उपचार करने का निर्देश दिया है। हालांकि अभी किसी प्रकार से घायलों और मृतकों के परिजनों को प्रदेश सरकार ने मदद नहीं की है, लेकिन मुख्यमंत्री शीघ्र ही कुछ ना कुछ निर्णय करेंगे। आइए दिखाते हैं घायलों से चर्चा और दिखाते हैं विधायक राजेंद्र शुक्ला ने क्या कहा है। काम करते थे हैदराबाद में, गाँव जा रहे थे वापस। सब तुम्हारे साथ के काम करने वाले लोग थे क्या बस में? हमारे साथ था। अब थे सब वही काम करने वाले लोग, सब काम वाले हैदराबाद में सब लोग काम करते हैं, गाँव के लोग। इसमें जो घायल लोग हैं उसमें से 18 अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन्हीं को देखने में आया हुआ था, जिसमें कि करीब 8 हैं ऑर्थोपेडिक्स में, बाकी सर्जरी में हैं। और बड़ी दुखद घटना रही है, क्योंकि 15 लोगों की मृत्यु हो गई, 14 तो स्पॉट पे मृत्यु हो गई, और एक यहाँ जब लाया गया था तो वो ब्रॉड डेड ही थे। और टोटल 40 लोग लाए गए थे, जिसमें से कि अब 18 बचे हैं, बाकी लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। ये बेचारे सभी हैदराबाद में नौकरी करते थे और दीपावली में अपने घर जा रहे थे, गोरखपुर के आसपास के लोग हैं, और इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई कि घर नहीं पहुंच पाए 15 लोग, और बाकी लोग यहां पर एडमिट हैं। यहां प्रशासन और अस्पताल का जो प्रबंधन है वो पूरी तन्मयता के साथ इनके इलाज में लगा हुआ है, और डॉक्टरों का ये कहना है कि खतरे से बाहर हैं और इनको वो ठीक कर लेंगे। आर्थिक सहायता के लिए कोई? आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री जी जल्द ही इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर घोषणा करेंगे। इनके भिजवाने की वापस ठीक हो, पूरी प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा, ये पूरी तरह ठीक हो जाएं, क्योंकि कुछ लोगों के ऑपरेशन जिनके होंगे उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रशासन इनको इनके घरों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करेगा। भगवान धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के देवता माने जाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से डॉक्टर्स को तो यश मिलता ही है, आम आदमी धन्वंतरी जी की पूजा करता है तो उसको भी आरोग्य मिलता है। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो ये इतिहास है, उसको मध्य प्रदेश सरकार ने सभी अस्पतालों में, कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में मनाने के लिए जो तय किया है, उससे मैंने देखा कि डॉक्टरों में बड़ा उत्साह है, और बड़े उत्साह पूर्वक उन्होंने इस धन्वंतरी जी की पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया था, तो मैंने उसमें भी मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला। कॉलेज में अब चूँकि स्टूडेंट्स बहुत हो गए हैं, तो उनके लिए बिल्डिंग और हॉस्टल के बात आई है, जिसके लिए प्रस्ताव कॉलेज प्रबंधन ने भेजा है, वो शासन से मंजूरी कराने का काम करेंगे।